hello friends i am poonam dua welcome to my channel i am here to discuss few of the important RTCs of this paper british drama MEG02 IGNU many external students and the students of my academy have been asking me continuously to discuss the important RTC questions so here i am today but keep in mind, you need to have a great deal of understanding of the plays, characters, and themes and analysis. Never ever do a surface level study, specifically when you are studying something at PG level. And please do not forget to share and subscribe the channel. Let us begin with the first passage. I will discuss six most frequent passages which are part of this exam how to answer what to write and the first passage i'll do in detail and will provide the major points to the rest of the passages elaborate it according to the learning during my classes and get back to me for the checking of your answers you can send your answers through whatsapp whatsapp details are given in the end of the video passage 1 let us understand the passage 1 first passage 1 Tis now the very witching time of night, when churchyard yawns and hell itself breathes out. Contagion to this world now could I drink hot blood and do such bitter business as the day would quake to look on. Soft now to my mother, O heart, lose not thy nature. Let not ever the soul of Nero enter this firm bosom. Let me be cruel, not unnatural. I'll speak daggers to her, but use none. My tongue. एंड सोल्ड इन दिस बी हिपोक्रेट्स आपको अगर समझ में नहीं आया तो ट्राई टू रीड इट वंस ट्वाइस थाइस यू विल गेट द बेसिक आइडिया अगर आप लोगों ने प्लेज पढ़े हैं तो जैसे कि यहाँ पर एक लाइन में लिखा है मदर ट्राई टू थिंक हमारे कौन कौन से प्ले में कोई मदर थी सो आई कैन थिंक हेमलेट हेमलेट में थी हेमलेट की मदर गड एन ही इज थिंकिंग समथिंग अबाउट बींग रूड और नॉट बींग रूड एंड ही सेस माई टंग एंड सोल इन दिस पी हिपोक्रेट्स आई स्पीक डेगर्स टू हर बट यूज नन मैं रूडली उनसे बात करूँगा लेकिन जितना रूडली करना चाहता हूँ उतना नहीं करूँगा तो अगर आप ध्यान से देखें तो पैसेज में ही आपको कहीं ना कहीं कोई स्टोरी कोई हिंट ऐसा मिल जाएगा जिसके थ्रू आपको एटलीस्ट इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि ये पैसेज कहाँ से लिया गया है अब आप देखिए लिखना क्या है और कैसे लिखना है सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है फिर कंटेक्स्ट लिखना है और फिर एक्सप्लेनेशन देना है क्या और कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में आप लोग अभी चिंता मत करिए ये देखिए रेफरेंस में आपको लिखना है कि ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं और वो प्ले किसने लिखा है सो दिस पर्टिकुलर वन दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोम हैमलेट एंड रिटर्न बाय शेक्सपियर ओके एंड दी कंटेक्सट इन दीज लाइन्स प्रिंस हैमलेट नरेट्स अबाउट हिज फीलिंग व्हेन ही इज सपोज टू गो एंड मीट हिज मदर गर्ट्रूट जब प्रिंस हैमलेट अपनी मदर से मिलने जाने वाले हैं और ये पता चलने के बाद कि उनकी मदर री कर चुकी हैं बैक टू तो वेरी हेस्टी मैरिज बहुत ही जल्दबाजी में मेरे फादर के मरते ही उन्होंने शादी कर लिया तो वो गुस्से से भरे हुए इस कंटेक्स में पूरी लाइन लिखी गई है तो कंटेक्स मीन्स कि आपको बताना है किस इन्वायरमेंट में वो पर्टिकुलर लाइन्स बोली गई हैं या किसी भी कैरेक्टर ने किसी भी तरीके उन लाइन को एक्सप्रेस किया है एक्सप्लेनेशन में आप लोग लिख सकते हैं सबसे पहले तो प्ले का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आई से जैसे कि फॉर हैमलेट यू कैन से हैमलेट इज अ ग्रेट रिवेंज ट्रेजिडी रिटन बाय शेक्सपियर एंड स्मॉल प्लॉट स्मॉल स्टोरी आइडिया आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट कि इन लाइन में क्या था आई कैन से दिस वन इज हेमलेट मोस्ट फेमस सोल इन नाउ द वेरी विच टाइम ऑफ नाइट विच फॉल्स इन एक्ट थ्री सीन टू हर प्ले के हर एक्ट हर सीन आपको याद नहीं रहेंगे तो जितना आपको याद है एटलीस्ट उतना रखिए दिस दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हेमलेट दिस मच इज मोर देन इनफ अगर आपको एक्ट्स और सीन याद नहीं रहते प्रायर टू दिस सोलिल प्रिंस हेमलेट्स मदर क्वीन गटरूट सेंस एंड ऑर्डर फॉर हामलेट टू गो टू हर चैम्बर तो हेमलेट जी को अपने चैम्बर में बुलाया गर्टरूट जी ने आपके दी प्ले asks for a short amount of time alone and he is thrilled because his plan worked out हैमलेट हेमलेट ने जो प्ले परफॉर्म किया था मर्डर ऑफ गोंज़ेगो जिसको कि हैमलेट ने माउस्ट्राइप का नाम दिया था उसका वो प्लान वर्क कर चुका है एंड ही एक्सपीरियंस अ सर्च ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिलीवर्स दिस सोलक्वे इन विच ही प्लान आउट द कॉन्वर्सेशन विद हिस्स मदर एंड टॉक्स अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ ही इज एट प्रेजेंट अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट लाइन्स इंडिविजुअली क्या है डिस् नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट वेन चर्च यू डॉन एंड हेल इट्स सेल्फ ब्रीथ्स आउट तो रात का वक्त है डार्कनेस का वक्त डार्कनेस में ऐसे ही लोग निकलते हैं जो किसी बुरे पर्पज से जो किसी डर्टी वर्क के लिए बाहर निकलते हैं तो अपने आप को शायद वो कंपेयर कर रहे हैं कि मैं अब किसी डर्टी वर्क के लिए जा रहा हूँ वो अपनी मदर को अब कर्स करने के लिए जा रहे हैं अपनी मदर को ये फील करवाने के लिए जा रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत किया है क्लॉडियस को उनके फादर का मर्डर करने में साथ देकर हेमलेट को अब तक काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि उनकी मदर और क्लॉडियस ही उनके फादर के मर्डरर से इसके बाद वो कहते हैं कि आई कुड ड्रिंक हॉट ब्लड एंड डू सच टेरिबल डीड्स दैट पीपल वुड ट्रेम्बल इवन इन द डे लाइट तो वो कह रहे हैं कि मैं अब ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसको करते हुए लोग शायद डे लाइट में भी डरेंगे ओ हार्ट लूज नॉट दाई नेचर लेट नॉट एवर द सोल ऑफ नीरो एंटर्स दिस फर्म बॉसम लेट मी बी क्रूअल बट नॉट अन नेचुरल हैमलेट को अब क्रूअल तो बनना है लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं है अपनी ही मदर के साथ क्रूअल बनना क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं सो दीज लाइन्स आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली सिंस अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो नीरो वॉज इन लाइन्स में हमें नीरो का रेफरेंस दिया गया है नीरो वॉज अ रोमन एम्पर हूँ वॉज क्वाइट फेमस फॉर बींग क्रेजी एंड मर्डरिंग हिज मदर अपने आप को कहीं ना कहीं नीरो से कंपेयर कर रहे हैं एंड देन ही से आई स्पीक डेगस टू हर बट यूज नन माई टंग एंड सोल इन दिस बी हिपोक्रेट्स हेमनेट In these lines hamlet says that i'll try to be as cruel as possible with my mother i'll be direct when speaking to the mother yet i'll try to be as gentle as possible the two things which are not possible actually that is why he's using the word hypocrites he does not want to hurt his mother although he knows his words will act as dagger his words will hurt her so basically in these lines we kind of see the contempt of hamlet for gertrude his mother. The soul of his father has asked for revenge only from Claudius but has instructed specifically to spare Gertrude. Hamlet is also in these lines full of hatred but trying his best to control his bitter emotions. Next lines, dekhte hi samajh Now, Fosters, must thou need to be damned and can't thou be saved? Despair in God and trust in Beelzebub.

Faustus is actually in a study in these lines and he is questioning his decision to choose Satan, to choose Lucifer over God. In these lines, Faustus convinces himself to stop thinking about redemption because redemption now is not possible. He has already chosen Satan. He tells himself that while the love of God is transient, the love of Beelzebub, the love of devil, the love of Satan, the love of Lucifer is fixed. फॉर्स्टर्स रिवील्स अन्फिडेंस इन हिज ओन डिस से ही बात करके अपने आपके ही डिसीजन को एनालाइज करना चाह रहे हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता अब उन्होंने एक बार सेटन को चूज कर लिया है ही कैनॉट गो बैक नाउ द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अगर आप में से किसी ने भी लुक बैक इन एंगर बहुत अच्छे से पढ़ा है और जिमी के प्रोफेशन के बारे में जानते हैं तो so, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली वन डे व्हेन आई एम नॉट लॉन्गर स्पेंडिंग माय डेज रनिंग अ स्वीट स्टॉल आई मे राइट अ बुक अबाउट अस ऑल इट विल बी रिकलेक्टेड इन फायर एंड ब्लड माय ब्लड सो देखते हैं इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन क्या है रेफरेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन आगर बाय जॉन हस्पन एंड कंटेक्ट इन दिज लाइन्स बेसिकली जिमी पॉटर द सेंट्रल कैरेक्टर शोज हिज कंटेम्प्टज हेट टूवर्ड द होल सिस्टम एंड होल सोसाइटी आप देखते हैं इन लाइन्स की एक्सप्लेनेशन जिमी अपना गुस्सा अपना पूरा आंगर एक्सप्रेस करें जितना भी वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं सो जिमी एक्सप्रेसिज इज आंगर थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट कुड बी ऑलमोस्ट कंसिडर बिब्लिकल बिब्लिकल इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड ब्लड ये दो वर्ड्स यूज़ किए गए ये वर्ड्स बाइबल में भी सिग्निफाई uh, करते हैं सेक्रीफाइस और वॉयलेंस को और जिमी भी यही फील करते हैं कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है इस रिलेशनशिप को मेनटेन करने में एंड आई एम द ओनली वन हु इज़ एक्चुअली सफ Suffering. Thus, this quote illustrates the way in which Jimmy feels that he has shed his blood for his dull domestic life, and to save his domestic life, to save his married life. This quote also demonstrates the violence that Jimmy expresses to Ellison, to violence related to blood. Though there is never any real physical violence in the play, at least not shown, the metaphorical use of the word blood demonstrates the deep psychological violence that both Ellison and Jimmy exercise on each other and if you read the play thoroughly you will come to know violence ka use kaun zyada karta hai chahe psychological violence hi ho. next lines again a sort of misogynist lines we are seeing women upset everything when you let them into your life you find that the women is driving at one thing and you are driving at another reference what is the reference, context, and explanation? Let us see. The lines have been taken from uh, from the play *Pygmalion* by G. B. Shaw and Higgins. Professor Higgins said the quote, and he seems to be a misogynist as well in these lines. I met a woman. He explains that I met a woman, uh, make friends with me, and she becomes jealous, uh, suspicious, and a nuisance. आई फाइंड दैट द मोमेंट आई लेट माई सेल्फ मेक फ्रेंड्स विद वुमेन आई बिकम सेल्फिश एंड ट्रैनिकल जब भी मैं किसी फीमेल के साथ दोस्ती करता हूँ मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ बदल जाता है वीमेन जो है ना वो हर चीज़ को अपसेट करती हैं दिस इज़ वॉट ही इज सेंग आई एम नॉट सेंग इट वेमेन हर चीज़ को अपसेट करती हैं वेन यू लेट दैम इन टू योर लाइफ आप किसी भी फीमेल को अपनी लाइफ में जगह दे दो वो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देंगी एंड यू विल फाइंड कि वो किसी अलग डायरेक्शन में चल रही है हम किसी अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं यू विल फाइंड दैट द वेमेन इज ड्राइविंग एट वन थिंग एंड यू आर ड्राइविंग एट अनदर एंड देन ही हीज लॉर्ड नोज आई सपोज द वुमेन वांट टू लिव हर ओन लाइफ एंड द मैन वांट्स टू लिव हिज ओन लाइफ एंड ईच ट्राइज टू ड्रैग द अदर ऑन टू द रॉन्ग ट्रैक दोनों अपनी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं अपने अपने ही हिसाब से और अपने पार्टनर्स को अपने साथ खींचना चाहते हैं उस ट्रैक पर जो कि पार्टनर के लिए रॉन्ग ट्रैक होगा So, Higgins is basically convinced in these lines that not only do women cause him trouble, but that they cause trouble in any and every case to every human. So, he suggests that men and women are basically incompatible. Next one Have you no modesty, no maiden shame, no touch of bashfulness? What will you tear? Impatient answers from my gentle. इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम रेफरेंस आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है नो चेंज शुड बी देयर लाइंस दीज लाइन्स हैेकन फ्राम द्ले मिड समर्स नाइट ड्रीम बाय शेक्सपियर एंड द कॉन्टेक्स्ट हेलेना एंड हर्मिया बेसिकली आर फाइटिंग विद ईच अदर इन द फॉरेस्ट एंड इन विच वॉट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट लेटेस्ट सी डेट स्पोकन बाई हरमिया इन आंगर टू वर्ड्स हेलना हरमिया बहुत गुस्सा है भी हेलाना से हरमिया को ऐसा लगता है कि हेलाना ने कोई जादू कर दिया है लाइसेंडर पर सो शी इज इन आंगर एंड इन दिस आंगर शी स्पीक्स दिज लाइन्स टू वर्ड्स हेलना इंस्टेड ऑफ टर्निंग ऑन दी मैन हूँ स्कॉन्सर तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे लाइसेंडर से नहीं लड़ना मुझे हेलाना से लड़ना एंड हरमिया टर्नस ऑन दिमेन ही हैज़ चोजन ओवर हर द वीमेन हू हैज बीन हर क्लोजेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्ड हुड तो हरमिया को ऐसा लग रहा है कि लाइसेंडर ने मुझे छोड़कर हेलना को क्यों चूज़ किया हेलाना हैज़ बीन माई चाइल्ड हुड फ्रेंड शी कैनॉट रिच मी हरमिया एक्यूजेज हेलाना ऑफ स्टीलिंग लाइसेंडर एंड हेलेना इज ऑल्सो वेरी अपसेट एंड थिंकिंग हरमिया मस्ट स्टिल बी जोकिंग हेलेना को ऐसा लगता है शुरू से ही जब भी उसको लगता है ना कि लाइसेंडर और डिमिट्रियस दोनों ही मेरे पीछे क्यों है उसको ऐसा लगता है कि ये तीनों मिलकर शायद कोई जोक कर रहे हैं शी कॉल्स हरमिया अ फेकर आन अफेक्ट नेक्स्ट वन one, टू आइडेंटिफाई यू स्टडी दिस प्ले नथिंग हैपन्स Nothing happens, कम्स comes, nobody goes. इट्स awful. Let us see the reference first. These lines have been taken from the play Waiting from Godot by Samuel Packett and context. Uh, this is the perpetual exchange of dialogues between the two characters Estragon and Vladimir. Estragon and Vladimir in dialogues ko hi frequently ek dusre ke use kiya and now explanation. Uh, the writer has written a play in which actually nothing happens ट्वाइस दो बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता एंड देट इज दस ऑफ द प्ले द लाइन कोटेड इन द क्वेश्चन इज एन एग्जिस्टेंशियल क्राई बेसिकली वेद पेन ऑफ वेटिंग फॉर चेंज फॉर डायरेक्शन बिकम्स अनबेरेबल To existentialist thinking, there is pain, there is anguish, there is purposelessness, uh, and the despair is depicted somehow here. Beckett has succeeded in imitating the action of our own existence, in which um, nobody comes, nobody goes, and it is awful. In the end, I'll say that uh, please go for a thorough study for all of the plays of your course. Do not run after any kind of shortcuts. Please prepare self-notes by doing a deep self-study. And thanks for watching and best of luck for your exams. You can see here the link to important articles of MEG01, that is British Poetry.